वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की शंखनाद पदयात्रा के छठे चरण की शुरुआत पावर हाउस से हुई। पदयात्रा में भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश बिचपुरिया के साथ साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला द्वारा पूरे नगर निगम क्षेत्र में शंखनाद पदयात्रा निकाली जा रही है। जिला अध्यक्ष ब्रजेश बिचपुरिया के नेतृत्व में निकाली जा रही पदयात्रा में भाजपा नेता वार्डवासियों से मिलकर उनके वार्ड की समस्याओं की जानकारियां ले रहे हैं। छठवें चरण की पदयात्रा का शुभारंभ पावर हाउस से हुआ, जिसमें शामिल होने बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित हुए। भाजपा नेताओं ने पदयात्रा के दौरान वार्ड की सफाई व्यवस्था को भी देखा। भाजपा अध्यक्ष ब्रजेश बिचपुरिया ने लोगों से चर्चा की। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि शंखनाद पदयात्रा के समाप्त होने पर नगर निगम प्रशासन को सभी वार्डों की समस्याओं का ज्ञापन सौंपा जाएगा। 5 दिनों में निराकरण नहीं होने की स्थिति में उग्र आंदोलन किया जाएगा। रोले भैया जी, भोजपुरिया जी बताएंगे, लगातार आपकी शंखनाद पदयात्रा जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? आज छठवां दिन है पदयात्रा का और कार्यकर्ताओं में लोगों में जो उत्साह आप देख रहे हो, और ये पदयात्रा लगातार निरंतर चलती रहेगी, 17 तारीख को समाप्त होगी। नगर निगम की एक एक समस्या को लेकर के हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और पब्लिक हमारे पास पूरे उत्साह के साथ में आ रही है, विश्वास के साथ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और कमल छाप पर उसका पूरा विश्वास है। उसी विश्वास के तहत हमारे पास में आ रही है, उस विश्वास को हम कायम रखते हुए 17 तारीख के बाद हमारी जो समाप्ति होगी, हम कमिश्नर के पास जाएंगे, यहाँ की जितनी समस्याएँ एकत्रित हुई हैं उसको लेकर के उनको देंगे और समय देंगे 5 दिन का। 5 दिन के अंदर अगर उनने समस्याओं का निदान पूरा पूरी तरीके से नहीं किया तो उसके बाद एक उग्र आंदोलन करेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता को लेकर। वार्ड भ्रमण के दौरान ज़्यादातर किस तरह की समस्याएं सामने देखने को मिल रही? जो बेसिक समस्याएं हैं वही पूरी नहीं कर रही नगर निगम, ना तो नाली की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, साफ पानी नहीं मिल रहा है, डायरिया का प्रकोप हो गया, इसके बाद भी साफ पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है, नालियों की सफाई नहीं हो रही है, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, रोडों में लोग निकल नहीं पा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। कल मैं घूमा वहाँ पर अपना वार्ड नंबर 26 में 19 में, वहाँ पर ये स्थिति है कि लोग अपना एक्सीडेंट से परेशान हैं, चोरियों से परेशान हैं, सब प्रकार से लोग परेशान हैं, लेकिन ये कुंभकर्णी जो नगर निगम का प्रशासन है नींद बंद करके बैठा हुआ है और भूपेश सरकार हर मामले में फेल है। और 2023 में जो उत्साह जनता का आ रहा है, हमारे कार्यकर्ता जिस टाइप के उत्साहित है, वो निश्चित रूप से यहाँ भी भाजपा की सरकार बनेगी प्रदेश के अंदर। ठीक, बहरहाल इस अवसर पर विभिन्न वार्डों के पार्षदों, छाया पार्षदों के साथ साथ भाजपा के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।